हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि चैप्टर है अपना फोर्स। और पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें ये पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह के हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, उनके हमने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये जो मास है, मास क्या होता है। इसके बाद जो हम टॉपिक अपना उठाएंगे पढ़ने के लिए वो मास पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बेसिक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो हम लोगों को पता है, बट पता होना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बच्चे हों जिनको नहीं पता हो या उनका कॉन्सेप्ट अलग हो, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो समझना है इसको। तो मास क्या है, तो उससे लिए हम पहले लाइन पढ़ेंगे जो लिखी है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस और इट्स रेस्पॉन्स अगेंस्ट द फोर्स विद विच इट इज सब्जेक्टेड। मीनिंग क्या है इसका, द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर या कि कोई भी जो मैटर है उसमें मटीरियल कितना है, उसके अंदर मैटर कितना है कंटेंड इन अ बॉडी। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है, इसके अंदर कितना मैटर है। जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक अगर ये बना हुआ है तो इसमें अंदर कितना प्लास्टिक है, उसको हम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसके अंदर कितना प्लास्टिक है। तो वो जो चीज़ है, जब इसको डिटरमाइन कर लेंगे कि इसके अंदर इतना प्लास्टिक है या जो भी है जिस भी मटेरियल का बना हुआ, तो वो उसका मास होगा। तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, इस बॉडी के अंदर कितना, इस मार्कर के अंदर कितना प्लास्टिक है, मैटर है। ठीक है, विच डिटरमाइंस रेजिस्टेंस, विच डिटरमाइंस कोई भी बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस है और इट्स रेस्पॉन्स अगेंस्ट द फोर्स विद विच इट इज सब्जेक्टेड। कोई भी बॉडी है उसका जो मास है वो क्या डिटरमाइन करता है कि वो कितना रेजिस्टेंस, कितना अपोजिशन प्रोवाइड कराएगा फोर्स को जो कि उस बॉडी पर लग रहा है। अगर इन सम केस अगर लग रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी लग रहा हो, बट अगर लग रहा है उस पर फोर्स, तो वो कितना रेजिस्टेंस उस फोर्स को प्रोवाइड कराएगा। कहने का क्या मीनिंग है, मान लो एक स्टोन है, ये एक स्टोन है और मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने उस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स मैंने इस पर लगा दिया। तो अब ये मेरे को, अब मैं इसको, ये इधर जाएगा अगर मैं इधर से फोर्स इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मान लो स्टोन बढ़ा, ये 10 न्यूटन फोर्स से नहीं, क्या होगा, नहीं हिलेगा यहाँ से, तो मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ये किसने डिटरमाइन करा, इसके मास ने, मास जिसके अंदर मास है उसने हमको ये बताने पर मजबूर करा कि भाई इसके अंदर ज़्यादा मास है इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मास है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको हिलाने के लिए। तो यानी किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, वो अमाउंट ऑफ मैटर वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन सिंपली आपके सामने यहाँ पर लिखी है। अब मास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि मास कैसा होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर नहीं भी लिखूँगा तो, लेकिन आप लोगों को मेंशन करनी है अपने नोटबुक्स में, अपने नोट्सबुक में लिख लेना है। मास एक, सबसे पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का क्या मीनिंग है पता है आप लोगों को, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा मतलब, यानी सिर्फ हमें बताएगा कि है कितना, इसके डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो 5 kg, 2 kg, 3 kg, तो ये क्या होता है, ये मास जो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा ये है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसी के साथ वो चीज़ आएगी, अब नेचुरली होगी, ऐसा नहीं है कि किसी ने उसके अंदर वो डाली है। ठीक है, तो जैसे इंसान है, हम और आप लोग हैं, पैदा हुए हैं, तो हमारी कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास पहले से ही आ गई, हमारे जो हेरिडिटी की वजह से, हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आ गई। सपोज करो हमारा कलर हो गया, हमारी वॉइस टोन हो गई, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हाइट वाइट आइज़ का कलर, ये इनहेरेंट है, इनमें हमने चेंजेस नहीं करे या किसी ने चेंजेस नहीं करे हमारे अंदर। ठीक है, ये इनहेरेंट नेचुरली जो चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर कोई बॉडी है, अगर मैं इस मार्कर को बना रहा हूँ,
तो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं इसके अंदर मांस डाल रहा हूँ, मांस ऑटोमेटिक अगर ये बन रहा है तो मांस ऑटोमेटिकली आ रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बनाएं और उसके अंदर मांस ही ना हो, सपोज़ ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मार्कर बनाऊँ और एक ऐसा मार्कर बनाऊँ जो कि मांसलेस हो, जिसके अंदर मांस ही ना हो, मैं चाहूँ तो इसके अंदर मांस डाल दूँ, मैं चाहूँ तो इसके अंदर मांस नहीं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाइट है इसको ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका कलर इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसका मास जो है वो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो आएगा ही आएगा, यू कैन नॉट चेंज दैट। नाउ मास क्या होता है, सराउंडिंग से अलग होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इनहेरेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं करता, मास जो है डिपेंड नहीं करता है सराउंडिंग्स पर, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर अभी ये इस कमरे में है तो अभी इसका मास कुछ है, मान लो 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, और मैं अगर बाहर जाऊँगा या किसी और कंट्री में जाऊँगा तो इसका मास कुछ और हो जाएगा, या मान लो अर्थ से बाहर चला गया इसका मास, नहीं। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूनिवर्सल है, विच डज नॉट चेंज एनी वेयर इन द यूनिवर्स, मास कैन नॉट बी चेंज, मास इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सो इट कैन नॉट चेंज एनी वेयर, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ जाने पर इसका मास चेंज, नहीं, मास उतने का उतना रहेगा। नाउ इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं, कोई भी कॉमन बैलेंस लेकर। कॉमन बैलेंस लेने का मीनिंग क्या हुआ, कॉमन बैलेंस लेने का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी हमारी जो तराजू होती है सिंपली हमारे आसपास, उससे लेकर हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ होती है, मास दो तरह का होता है, ठीक है। अब कहीं पर पढ़ते हैं कि मास दो तरह का होता है या नहीं भी पढ़ते हैं, तो अब इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मास दो तरह का होता है, इसका क्या कहने का क्या मीनिंग है, टू टाइप्स ऑफ मास, दो तरह के मासेज होते हैं, हमने मतलब ऐसे कैटेगराइज कर दिए, एज एन ये बुक टू बुक डिफर कर सकता है, ठीक है। एक होता है आप लोगों का इनर्शियल मास और एक होता है आप लोगों का ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इनर्शियल मास। अब ये इनर्शियल मास क्या होता है, इनर्शियल मास वो मास है जो कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया मास, इनर्शिया मेजर करता है। अरे साफ साफ दिख रहा है, इनर्शियल मास ही उसको इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी का जो कि इनर्शिया मेजर करे, ठीक है। और जब मैंने इनर्शिया बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह के बताए थे। अब खुद सोचो, इनर्शिया भी तो एक ऐसी चीज़ थी, मान लो ये चीज़ रुकी हुई है तो इस पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है इस समय, इसको रोके कौन रखा हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये कितना मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसके इनर्शिया पर, इसके इनर्शिया पर, और अगर उसके डेप्थ में जाए तो उसके मास पर, ठीक है। अब इसका इनर्शिया पर डिपेंड करेगा, लेकिन भाई कब तक करेगा, एक लिमिट होगी इसकी, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कितना ये कितना इनर्शिया प्रोवाइड करा सकता है, ये जो बॉडी है ये कितना इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करा सकती है। तो हम तो 10 न्यूटन लगाया, फिर हम 20 न्यूटन भी लगा सकते हैं फोर्स, 50 न्यूटन भी लगा सकते हैं, 100 न्यूटन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कितना, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है कि हाँ ये इतना ही इनर्शिया प्रोवाइड करा। सपोज करो इसमें मान लो अगर ये 20 kg इसका वेट है, सॉरी वेट बोल रहा हूँ, मास है मान लो, और ये 20 यूनिट का ही, यार ये 20 न्यूटन फोर्स ही मैक्सिमम क्या कर सकता है, तो अपोज कर सकता है, उसके बाद ये बोल देगा ना भैया मेरे बस की नहीं है, अब मैं चला,
अब तुम मुझे फोर्स लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो इनर्शिया है 20 न्यूटन का, ये कहाँ से डिटरमाइन हुआ? इसके मास से डिटरमाइन हुआ। तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया इनर्शियल मास। हमने क्या बोल दिया इसको? इनर्शियल मास। क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया को, मतलब इनर्शिया डिपेंड करता है इस चीज़ पर, इस मास पर। क्या है? इनर्शिया डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो इनर्शियल मास है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बट ये एक पॉइंट है। तो दूसरा जो अपना ग्रेविटेशन होता है, इनर्शिया होता है, वो होता है आप लोगों का ग्रेविटेशनल मास। अभी ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास में आप लोगों का जो हो गया, इसको हमने पढ़ा हुआ, इसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ, इसको बोलते हैं वेट, इसका दूसरा नाम है वेट। और हमने ये पढ़ा हुआ कि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। और हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा हुआ कि वेट एंड मास, हम कभी कभार इनको सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और ये जो ग्रेविटेशन मास को वेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जी आ गया ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो सुनो मेरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। अब इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना, तो अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून पे जाओगे तो मून की ग्रेविटी अलग है, आप सन पे जाओगे सन की ग्रेविटी अलग है, किसी और प्लैनेट पे मार्स पे जाओगे तो मार्स पे जाओगे तो उसकी ग्रेविटी अलग है। तो यहाँ वहाँ पर ही जी की वैल्यू अलग हो जाती है। जैसे कि जी की वैल्यू हमारी अर्थ पर कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमने इतना लिखा, और मान लो मास की वैल्यू है 10, तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये मान लो 98 बन जाएगा, 98 न्यूटन। फोर्स एक, सॉरी, वेट एक फोर्स है, वेट एक तरह का, कि जैसे वेट एक तरह का फोर्स है, ये मास है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, अर्थ इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इस पर जी लग रहा है, तो इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज़ द वेट, वेट इज़ द फोर्स। इसकी वेट की वैल्यू हमेशा न्यूटन में आती है, जो भी लिखते हैं ना, जो, लेकिन हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जो हम तराजू पे अपने, मान लो आप 1 किलो चीनी लेने गए, तो 1 किलो चीनी, तो हम कहते हैं कि इसको वेट कर दो, वो वेट, वो नॉर्मल भाषा में उसको वेट बोल दिया गया, ठीक है, एक्चुअली है नहीं वो। वेट फिजिक्स की लैंग्वेज में किस क्या है? एक फोर्स है, और इसकी यूनिट इसलिए हमेशा न्यूटन होती है। तो हमेशा याद रखना प्लीज़, ये आप मेंशन कर सकते हैं, द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, और जो मास की होती है वो केजी होती है, ठीक है। मास होता है आप लोगों का, इसकी जो यूनिट है वो है केजी, ठीक है। नाउ, अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक चीज़, इसके, ये जो इनर्शियल मास है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। बेसिक तो इतना ही, अगर कोई भी पूछे नॉर्मल, पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंस इसमें क्लियर करा दिया कि हाँ ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज। जो वेट यूनिवर्सल नहीं है, बट मास इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मीनिंग है इट विल नॉट चेंज एनीवेयर, ठीक है। इनर्शियल मास, अब इनर्शियल मास एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होने वाली, केमिकल रिएक्शंस में भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। यानी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होंगे, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, एक पेपर लिया, ठीक है, तो पेपर लिया, पेपर को जला दिया, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई, लेकिन उस पेपर में से जो भी चीज़ें निकली, आप लोगों की फायर निकली, उसमें से स्मोक निकला, फिर बाद में कुछ ऐश बदल गई, ऐश जो होता है रेसिड्यूज इसको बोलते हैं हम, वो है, इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप पहले पेपर का वेट करोगे तो वो सारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, या फिर आप ये कहिए
आपने 50 ग्राम चीनी ली और आप लोगों ने 200 ग्राम आप लोगों ने वेट के उस पर बोल रहा हूँ मैं, 200 ग्राम आप लोगों ने वाटर लिया और आपने उसको घोला, तो आप लोगों का वेट कितना हो जाएगा उस पूरे का, 250 ग्राम। तो यहाँ पर वेट जो है, ये इनर्शियल मास है, वो कभी भी चेंज नहीं, अगर कुछ चेंजेस आए ना तो वो इनर्शियल मास में नहीं आएंगे, वो आप लोगों के ग्रेविटेशन मास के कारण या किसी और चेंज के कारण आएंगे, बट जो इनर्शियल मास है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा, ये वाला टॉपिक जो मैं पॉइंट में बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा समझा तो नहीं पाऊँगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बस ये याद करने के तौर पर, क्योंकि 12th में कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा, ठीक है। एक टॉपिक है, एक दो टॉपिक में ये आपके काम आएगा, बस एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। क्या पॉइंट है, जो इनर्शियल मास है, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है इनर्शियल मास, बट कहाँ पर, क्लासिकल मैकेनिक्स में। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब कहेंगे कि भाई ये क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वर्ड कहाँ से आ गया, है ना। देखो, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा जिसमें मोशन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, अभी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये मान लो कि लॉज ऑफ मोशन जहाँ भी पढ़ना पड़ेगी, काइनेमेटिक्स के, मतलब हमने पढ़ा कि इन एक्सेलेरेशन क्या होता है, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया, दीज ऑल द थिंग्स द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स जिनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। इसके बाद कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जिसमें फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, टॉर्क वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे हम, रोटेशन मोशन पढ़ेंगे हम, दीज आर द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा आप लोगों का 12th में, और ऐसे लाइट वगैरह, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ब्रांचेज हैं ये फिजिक्स की ना, उनमें से एक जब आप हायर स्टडी करेंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो देन यू विल कम टू नो द व्हाट इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बोलो जहाँ पर न्यूटन की चीज़ें लगती हैं, न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं, बस इतना मान लो। वैसे तो और भी डिफरेंसेस है, लेकिन फिलहाल इतना है, जहाँ न्यूटन जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, कि जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो अप्लाई होते हैं, और यहाँ पर जो आप लोगों का मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द मास डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी सपोज करो, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, और आप लोगों को ये वैलिड भी लगेगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल चीज़ इसके बाद बताने वाला हूँ मैं, ये कोई चीज़ है, इसका मास है 100 ग्राम और ये चल रही है, इसकी वेलोसिटी कुछ भी है, मान लो 20 मीटर, इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, इसे बढ़ाकर मैंने 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, 1000 मीटर पर सेकंड कर दिया, 2000 मीटर पर सेकंड कर दिया, सपोज अगर ऐसा कर दिया, वैसे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, वेलोसिटी, तो इसका मास 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहने वाला है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बोलेंगे, ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी हमने चेंज कर दी और इसका मास चेंज हो गया, नहीं। बट जब आप जाएंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, या फिर आप बोले क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे आप, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस वो एक ऐसा मतलब थ्योरी दी उन्होंने, एक ऐसी बात कही, एक ऐसी स्टडी दी हमको, जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी और बहुत काम आती है वो आज भी हमारे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोल देते हैं हम, वहाँ पर जब हम फिजिक्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के चलने के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो लाइट की स्पीड के लगभग लगभग आसपास होती है, और लाइट की स्पीड पता भी कितनी है, कितनी है, यू कैन से 3 लाख मीटर पर सेकेंड,
यानी एक सेकंड में 3 लाख मीटर चलना, इतनी स्पीड है किसकी, लाइट की। अब सोचो कि कितनी स्पीड है, इतना चलना ऑब्जेक्ट को, तो वो हम लैब वगैरह में या पार्टिकल्स वगैरह को ही चला सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि वहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चल रहे होते हैं, ज़रूरी है 3 लाख ही हो, ठीक है, वैसे 3 लाख पूरा नहीं है लाइट की स्पीड, ठीक है, 2.9×10⁸ के आसपास है मीटर पर सेकेंड इतना कुछ है। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, उस समय क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होने से मास पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तब मास भी चेंज होगा वेलोसिटी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको हम चला रहे हैं, रेस्ट पर रुका हुआ है, तो अभी 20 ग्राम का बहुत 100 से की स्पीड से चलाया, अभी 20 ग्राम का 1000 की स्पीड से चलाओगे, अभी भी 10000 की स्पीड से चलाओगे तब भी। लेकिन जब आप लाख में बात करोगे, जब 2 लाख मतलब 2 लाख मीटर पर सेकेंड किसी की स्पीड होगी, 3 लाख होगी, 3 लाख कुछ ऐसा करके, तब वहाँ पर अगर आप स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो मास पर इफेक्ट पड़ता है, मास भी कम ज़्यादा होता है। और मास कम ज़्यादा कैसे होगा, मास कम ज़्यादा होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अंडर रूट एम नॉट 1 माइनस अंडर रूट एस में नहीं है वी अपॉन सी, ये होगी, ये फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू द एम नॉट, मैं बताता हूँ क्या है ये, अंडर रूट में 1 माइनस v² / c², मतलब किसी भी, जब किसी भी मास की स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि लाइट की स्पीड के आसपास हो, तब उसका मास ऐसे मतलब इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एम नॉट क्या है, एम नॉट इज द, एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है जब वो रुका हुआ था तब उसका मास कितना था, ठीक है। तो और m इज़ द रिलेटिविस्टिक मास, मतलब उस स्पीड पर जब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, v वो जो भी वैल्यू जिस भी वेलोसिटी, और c तो आपको पता ही है, दैट इज़ द लाइट ऑफ स्पीड। तो दिस इज द चेंज इन मास व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी तेज स्पीड से चलने लग जाए, इतनी तेज स्पीड से चलने लग जाए कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास हो जाए, तब वहाँ पर उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने पर, वेलोसिटी कम ज़्यादा करने पर उसका मास पे चेंजेस आते हैं। बट हमारी जो आम जो ज़िंदगी है, जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, मेरे गाड़ी चल रही हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हम बिल्कुल मास को बिल्कुल सेम क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन मास पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस द मास, ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज के बाद ये मास पढ़ा आप लोगों ने, इसके बाद कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम भी चलो क्लियर कर ही लेते हैं इसी उसमें, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है लीनियर मोमेंटम। मैं आप लोगों को बता देता हूँ लीनियर मोमेंटम क्या है। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इनटू v, दैट्स इट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास इज हैव द क्या बोलते हैं उसमें इन मल्टीप्लीकेशन विद द वैक्टर क्वान्टिटी, ठीक है। तो एक स्केलर की मल्टीप्लाई जब एक वैक्टर से होती है तो आप लोगों को हमेशा एक वैक्टर मिलेगा, ठीक है। एक स्केलर की मल्टीप्लाई जब एक वैक्टर से होगी तो आप यू विल ऑल्सो ऑलवेज गेट अ वैक्टर ओनली। नाउ तो सिंपली जब भी आप इसको डिनोट करेंगे तो आप इनके ऊपर वैक्टर लगा सकते हैं, ये एरो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
वेक्टर को डिनोट करने का ये तरीका है। कैसे पता लगेगा ये स्केलर है वेक्टर है? तो इसके ऊपर हमने ये एरो लगाया तो इससे पता लगा कि ये वेक्टर है और ये मास है, सॉरी ये स्केलर है। अब इसकी डायमेंशन अगर आपको आप लोगों को देखनी हो या फिर आप लोगों को ये देखना हो, इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी डायमेंशन के ऊपर बात करें, डायमेंशन क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? डायमेंशन होगी आप लोगों की एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। सिंपल भाई, वेलोसिटी क्या होती है? एल टी माइनस वन। मास की हो गई एम, कैपिटल एम, दिस ऑल आर द कैपिटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे कैपिटल में है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका अगर वो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और मासेस के वगैरह में, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा ना, वेलोसिटी सेम है, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, तभी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया ना, आंसर ज़्यादा आ गया। सपोज ऐसा करो ना, देखो मैं 12 इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 3 × 4, इसको वी की जगह मान लो, इसको मास की जगह मान लो। अब मान लो अब ये तो इतना ही है, अब किसी का आंसर 16 आ रहा है, ये तो मैंने 4 फिक्स कर दिया, तो इसे ही बढ़ना पड़ेगा तभी तो आएगा 16 आंसर, क्योंकि वेलोसिटी मैंने सेम रख दी। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी सेम है, तो अगर जिसका, तो उस हिसाब से जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसी का मास भी ज़्यादा होगा, या जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। बाकी इस फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो इस वीडियो में हमने नॉर्मली ये देखा, बेसिकली हमने मास के बारे में पढ़ा और मास क्या होते हैं, क्या क्या उसके टाइप हैं, और ये जो पॉइंट मैंने आपको लास्ट वाला बताया था रिलेटिविस्टिक वाला, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ भी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ें, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाला, क्योंकि ये आप लोगों के काम आएगा 12th क्लास में। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इन ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, और जो भी और चीज़ें होंगी इसमें उनको पढ़ेंगे, देन वी विल फिनिश आवर चैप्टर। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।